बिहार का महादलित समाज को आप देख रहे हैं एक साथ सड़क पे उतरा है। हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं। तो ये पासवानों का जो हक है वो मारा जाएगा, इसलिए इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। दलित महादलित एकता जिंदाबाद। हमारे जो आरक्षण का दायरा को हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जो पासवानों के साथ दोहरी राजनीति की जा रही है, जो महादलित भाइयों को अलग कर दिया गया है, नहीं तो हम बैरिकेड को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पासवान समाज के लिए जो चौकीदारी की प्रथा वत्सर्स सदियों से चली आ रही थी, फिर से उसे पासवानों के लिए प्रमुख रूप से लागू किया जाए, हमें पहुंचने का आदेश दिया जाए, नहीं तो हम बैरिकेड को तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का राजभवन मार्च इस वक्त आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पर। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान के नेतृत्व में दलितों के कई मुद्दों को लेकर जो है वो तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीर आदित्य पासवान है, कांग्रेस सेवा दल एक प्रदेश अध्यक्ष है। आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांग है? जो बिहार में हमारे जो आरक्षण का दायरा को हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उसके विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे दाखिल करा करके इस आरक्षण के दायरे को फिर से बढ़ाया जाए, और जो पूरे बिहार में दलित महादलित का पूरे दलित महादलित का तो ये जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है वो पटना के सड़कों पर उतारे गए हैं। हालांकि चौकीदारी दफादारी का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम कहेंगे अजय को थोड़ा आगे चलें और आगे से कैमरे को पैन करके दिखाइए कि ये हुजूम वो गुस्सा जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या गुस्सा जो है वो लोगों में है। चौकीदारी दफादारी भी दिख रहा है कि भाई आक्रोश है। आज जिस तरह बिहार में पासवानों के साथ जो पासवानों के साथ दोहरी राजनीति की जा रही है, जो महादलित भाइयों को अलग कर दिया गया है, दलित महादलित करके समाज को जो तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी किए हैं, आज उसी वापस एकता के लिए बिहार का दलित समाज, बिहार का महादलित समाज को आप देख रहे हैं कि एक साथ सड़क पे उतरा है, और दलित और महादलित एकता को फिर से एक करके हम एक होकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। और हमारी मांग है कि जो पासवान समाज के लिए जो चौकीदारी की प्रथा वत्सर्स सदियों से चली आ रही थी, फिर से उसे पासवानों के लिए प्रमुख रूप से लागू किया जाए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन रिक्तियों पे तुरंत तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर रोक नहीं लगेगी सरकारी या सरकार अपनी प्रक्रिया में चालू रहेगी तो ये पासवानों का जो हक है वो मारा जाएगा, इसलिए इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। और दलित महादलित पे जो उत्पीड़न हो रहा है, दलित महादलित पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। आक्रोश है लोगों में दलित महादलित, दलित महादलित एकता जिंदाबाद। रोक दिया गया है। हमारी ये मांग है कि राज्यपाल महोदय तक हमें पहुंचने का आदेश दिया जाए, नहीं तो हम बैरिकेड को तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। पासवानों की भी मांग है आप लोगों के बैनर राज्यपाल जी से पहुंचने के लिए हमने मांग किया था, और हमें यहाँ रोका जा रहा है। मैं अगर एक मिनट में अभी ये बैरिकेड को तोड़ दिया जाएगा, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमें राज्यपाल महोदय तक पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाए, नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम बैरिकेड को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान है, और ये लोग इनकम टैक्स पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पे जो है रोक दिया गया है, पहले से पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी और इन लोगों को यहाँ पर रोका गया है। हालांकि आरक्षण समेत कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी या सरकों पर उतरी है, और बड़ी संख्या में जो दलित महादलित आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ पहले से यहाँ पर तैयार थी, चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में यहाँ से इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।